Alia was already very upset with Bulbul. But when she saw Purab and Bulbul together outside the hospital, we saw a new avatar of hers. Have a look at how brutally she's beating up Bulbul by pulling her hair and pressing her neck. Actually, a cat fight happened there. But how could Purab see Bulbul getting beaten up by Alia? He also slaps Alia. Alia ki shaadi tooti hai to किसी ना किसी के ऊपर कसर तो निकालनी है. सो द टारगेट इज ऑब्वियसली पूरब एंड बुलबुल. जो सामने आए पकड़ कर पीट देंगे और क्या, मतलब हाथ पैर बाल वाल सब. जैसे इट्स लाइक अ कैट फाइट. कैट फाइट एंड ये खड़े होकर हंसेगा. ये वैसे भी बहुत पसंद है इसको. मैं वैसे ही ना बोलता रहता था प्लीज फाइट यार. दो लड़कियां सब लड़ती हैं. एंड शी इज सो स्मार्ट. अपने बाल बांध के आई है. ओ यार टारगेट मेरे बाल तो इट्स गोइंग टू गो बी आई डोंट नो. बुलबुल का कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि वो जाके लड़ेगी, लेकिन आलिया थोड़ी सनकी टाइप की है तो वो जाकर मारना जाएगी. लेसन तो मैं पता नहीं है ना मैं क्या क्या कर से मचा दूंगी मैं तुम्हें. पूरब के पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा. ये एकदम शी इज लॉस्ट इट आफ्टर आई रैन अवे फ्रॉम द वेडिंग. तो ये कुछ भी कर सकती हैं. आलिया का कैरेक्टर ऐसा है कि वो बहुत ही वल्नरेबल है. तो ऑब्वियसली ये जब मारेंगी ना मुझे बहुत गुस्सा आएगा. तो उसी बात पर मैं भी इन्हें थप्पड़ मारी थी. बट एक बात तो शोर है, प्यार में सबको थप्पड़ खाने भी पड़ते हैं और मारने भी पड़ते हैं. एक्चुअली हम सब ने थप्पड़ खा लिए हैं. अभी हमारे शो का टैगलाइन होगा प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता है सर. इज द अदर वे राउंड. सबको थप्पड़ पड़ चुके हैं यहाँ पर. तन्नू को पड़ा, फिर तुमको पड़ा, फिर इसको पड़ा, फिर मुझे पड़ा. मेरे को सबसे ज्यादा पड़ चुके हैं. ये आप निशान भी देख सकते हैं. यस, आलिया का प्यार देखा है पूरब ने अभी, नफरत नहीं. तो अभी वो नफरत देखेगा और वो नफरत के अंदर आलिया इस हद तक जा चुकी है कि वो इनके साथ साथ खुद भी मरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. लाइक यू नो शी इज ऑन दैट रेज की इन दोनों को भी मार दूंगी चाहे मुझे खुद ही क्यों ना मरनी चाहिए. उसमें बेचारी ये भी पिस जाती है गाड़ी में बैठी. आइडिया से डर लगता है सबको. आलिया और Hi, this is Karan Mehra and keep watching me on India Forums. Guys, keep watching WhatsApp TV.